नहीं नहीं नहीं, तब अब रुक जाए, खत्म हो नहीं, खत्म नहीं होगी, बिल्कुल खत्म नहीं होगी। ऋतुराज झा बोलेंगे, एक सेकंड माना जी, ये नहीं स्वीकार, ऋतुराज झा मैं दूंगा आपको मौका, शहजाद प्लीज, ऋतुराज झा, दिल्ली और पंजाब में गठबंधन हो जाएगा क्या आज इस बैठक से, कुछ निकलेगा क्या? ऋतुराज झा, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आज इस गठबंधन की देश को जरूरत है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए देश की तमाम विपक्षी पार्टी जो है सो एकजुट हुई है, और ये महागठबंधन के इस पूरे अभियान में हम लोग मजबूती से महागठबंधन के साथ हैं, इंडिया अलायंस के साथ हैं, और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब लोग एकजुट हैं। और सीट शेयरिंग की आपने बात करी, सीट शेयरिंग के लेकर के भी बहुत जल्दी अपडेट्स आपके सामने में आ जाएंगे, और जो भी होगा आप सबसे शेयर किया जाएगा, और हम सब के लिए देश इंपॉर्टेंट है, देश इंपॉर्टेंट है, संविधान इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र इंपॉर्टेंट है, इसको बचाना, इसको आगे लेकर के चलना हम सबकी सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है, और इसको लेकर चलेंगे, और मजबूती से हम लोग इंडिया अलायंस के साथ में डटे हुए हैं। अच्छा ऋतुराज झा, शहजाद वन सेकंड प्लीज, अब मैं आ रहा हूं आपके, शहजाद प्लीज, शहजाद प्लीज, शहजाद, शहजाद कहा बिहार, शहजाद प्लीज एक सेकंड, बंद कर दिए ऑडियो, ऑडियो बंद कर दीजिए, नहीं ऐसे नहीं, एक सेकंड, क्या ये स्वीकार्य है? शहजाद नहीं, मैं एक पहले इस पे नहीं, बिल्कुल मैं अलाउ नहीं कर रहा, एक मिनट, नो नो, पहले माफी मांगो, अनुराग भदौरिया बिहार का अपमान करने के लिए माफी मांगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं रुक जाइए, मैं आपको टाइम दूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी रुक जाइए, बिहार का अपमान किया, रुक जाइए, कुर्मी समाज का अपमान किया है, और हिंदुस्तान को बचा रही है, ये छोटी मोटी, ऋतुराज झा मेरा दूसरा सवाल, ऋतुराज झा मेरा दूसरा सवाल, अनुराग ऑडियो, अनुराग ऑडियो नहीं है, ऑडियो नहीं, ऑडियो नहीं, अनुराग ऑडियो, छोटी मोटी बात है, ऋतुराज झा मेरा दूसरा सवाल, फॉर्मूला क्या होगा सीटों के बंटवारे का? कुछ लोगों का कहना है पिछले चुनाव में जो पार्टी जिस नंबर पर थी, अगर पहले पर थी, दूसरे पर थी, उस हिसाब से सीटें मिलनी चाहिए, क्या आप सहमत होंगे इस तरह के फॉर्मूले से? देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, सीट शेयरिंग क्या होगी, नहीं होगी, इसकी जानकारी देश के सामने, मीडिया के सामने भी बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन मैंने आपसे एक बात कहा और फिर से मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूं कि हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान महत्वपूर्ण है, जिसकी हत्या करने की बात आज सारा देश देख रहा है, इसको लेकर के इंडिया गठबंधन एकजुट है, एकजुट होकर के जो भी निर्णय करेंगे वो आप सबके सामने में आएगा, लेकिन हम सबके लिए सबसे पहले देश है, देश हित में करेंगे, जो भी करेंगे संविधान हित में करेंगे, लोकतंत्र को बचाने के लिए करेंगे, सीट शेयरिंग को लेकर के जो भी निर्णय होगा वो भी बहुत जल्दी आप सबके सामने में आ जाएगा। ओके सापरा जी।